इंदौर प्रशासन द्वारा लगातार नशे के कारोबारियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत प्रशासन व इंदौर नगर निगम ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर तेजाजी नगर में एक और ढाबे को ध्वस्त करने की कार्यवाही की है। राव रोड पर तेजाजी नगर में अनमोल ढाबे पर अवैध रूप से शराब परोसने की शिकायत के बाद कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि ढाबे में अवैध रूप से शराब पिलाने और बिक्री करने की लगातार शिकायत मिल रही थी। कलेक्टर मनीष सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन, आबकारी और नगर निगम के संयुक्त दल ने ढाबे पर कार्यवाही की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी अवैध शराब का काम भी नहीं होगा। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना कर इस प्रकार के सभी अवैध अनैतिक कार्य करने वालों के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ दी गई है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा लगातार एक वहां से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमने ओपी मदरा को पकड़ा है। उसके अतिरिक्त हमने मेथनॉल की फैक्ट्री को भी जब्त किया है और आज दिनांक को हमारे द्वारा 4 ढाबों को जिनमें अवैध शराब बेचने की लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसमें प्रकरण पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा दोनों द्वारा पंजीबद्ध किए गए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इन सबको के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए नगर निगम द्वारा इनको ढहाने का फैसला लिया गया था, जिसमें आज हमने 4 ढाबों को ढहाने की कार्रवाई की गई है।